दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार फिल्मी दुनिया के खिलाड़ी कुमार है, पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि अक्षय कुमार निजी ज़िंदगी में भी खिलाड़ी यानी प्ले बॉय है। आज हम लोग जानेंगे अक्षय कुमार की ज़िंदगी से जुड़ी उन अभिनेत्रियों के बारे में जिसके चलते उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक बार खतरनाक बिजली आ गई थी। ट्विंकल खन्ना से शादी से पहले अक्षय कुमार का नाम बहुत से एक्ट्रेस से जुड़ा, जिनमें से शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और रेखा का नाम भी आता है। पर वर्ष 2001 में अक्षय ने गुपचुप तरीके से ट्विंकल से शादी रचाने के बाद सबको चौंका दिया था। उसके बाद वापस पुराने रिश्तों की तरफ रुख करना मुनासिब नहीं समझा, और यही वजह है उस वक्त से आज तक अक्षय ने ना तो शिल्पा और ना ही रवीना के साथ कभी कोई फिल्म या तो कोई पार्टी या इवेंट फंक्शन में नज़र आए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अक्षय और ट्विंकल जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब ट्विंकल का कैरियर ठीक नहीं चल रहा था, और उन्होंने अक्षय के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर उनकी फिल्म मेला नहीं चली तो वो उनसे शादी कर लेंगे। और हुआ भी कुछ वैसे ही, मेला रिलीज़ होते ही फ्लॉप साबित हुई और ट्विंकल ने अपने कहे मुताबिक अक्षय से ब्याह रचा लिया। कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था, पर वर्ष 2005-06 में अक्षय कुमार की नज़दीकियाँ प्रियंका चोपड़ा की ओर बढ़ने लगी, जिसके साथ वे कई हिट फिल्में दे चुके थे, जिनमें से मुझसे शादी करोगी, अंदाज, वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम और ऐतराज़ भी है। पर वर्ष 2005 में बॉबी देओल की फिल्म बरसात, जिसको पहले अक्षय कुमार कर रहे थे और फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी, कुछ अफवाहों की वजह से ट्विंकल ने अक्षय को कड़ी चेतावनी दी और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ वो फिल्म करने से मना कर दिया। ऐसे वक्त में अक्षय ने निजी ज़िंदगी को महत्व देना समझा और वो उस फिल्म से बाहर हो गए, जिसके बाद निर्देशक सुनील दर्शन ने बॉबी देओल को उस फिल्म में कास्ट किया और फिल्म की शूटिंग दोबारा करनी पड़ी, और इस वजह से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने से बच गई। धन्यवाद।